फिर उसके बाद के 2 अटेम्प्ट्स मैंने दिए थे, उसमें फिर मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया था। फिर मैंने रियलाइज करा कि नहीं, मतलब मैं बच्चों को देख रहा था उधर कि यार अभी तो मैं इनसे बहुत पीछे हूँ, इनमें जो क्वालिटीज अभी मेरे में है ही नहीं, मतलब इन्फीरियर महसूस कर रहा था मैं SSB में जाके। तो फिर कोविड आ गया, उसमें फिर मैंने अपना CDS के लिए प्रिपेयर करा। तो सर इंग्लिश के लिए मैं मानता हूँ कि सर रीडिंग जरूरी है बहुत, क्योंकि उसमें आधा पेपर ना वो रीडिंग बेस्ड होता है, तो रेगुलरली न्यूज़पेपर्स पढ़ना या फिर कोई भी मैगजीन्स पढ़ना, करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ोगे तो दोनों काम होते हैं। तो बेसिकली सर रीडिंग जितनी इम्प्रूव होगी ना, उससे इंग्लिश में नंबर उतने सारे से खिंचे चले जाएंगे, क्योंकि सर चीज़ें सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं और क्वेश्चंस देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ इसका यही आंसर होगा। सर एक गेस वर्क होता है ना, मन में अपने आप आ जाता है इंट्यूशन। सर मैं मानता हूँ किसी भी टीचर को पर्टिकुलरली पकड़ के फॉलो नहीं करना चाहिए, जो जिसकी जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको वहां से करो, और उसके बाद ठीक है फिर दूसरे, अगर दूसरा कोई अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है तो वहां से उसका पढ़ लो। तो कभी भी एक ही टीचर के पीछे नहीं जाना। इंटरव्यू तो सर जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे ना, वो डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे हमारे, बट ओके मैं गया हूँ अंदर तब से लेके तब से बाहर आया हूँ, एक बार भी नहीं हंसे हो मेरे को देख कर, इतने एकदम सीरियस। मैंने एक दो बार तो सर मजाक भी करा उनके साथ, बट पूरे टाइम एकदम सीरियस रहे हैं। और सर मेरे को तो उन्होंने बॉडी पोस्चर का TR दिया हुआ था, मैंने 10 लोगों से पूछा बॉडी पोस्चर का TR होता क्या है, किसी ने सुना ही नहीं है कोई बॉडी पोस्चर का TR भी होता है। तो मेरे को 5 TR तो सिर्फ सर्जिकल वाले ने दिए हैं। ये नहीं सोचना है कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमेशा लगे रहना है और बस अपने गोल्स की तरफ फोकस रहना है। और जैसा मैंने पहले भी बोला था कि डिफेंस के अलावा एक ऑप्शन लेके जरूर चलना है, जिससे आपको SSB में भी और जिंदगी में भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ तो रहेगा ही। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक SNDA हूँ और नेशनल डिफेंस अकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट अर्पित अग्रवाल। स्पेशल इसलिए बिकॉज इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। ही इज डेफिनेटली इन टॉप रैंक्स इन CDS मेरिट लिस्ट। कौन सी रैंक वो हमें नहीं पता, बिकॉज ही हैज स्कोर 200+ इन हिज रिटन एग्जाम। ठीक है, तो आज हम इससे पूछेंगे कि कैसे तैयारी करनी है। और CDS के अलावा इसने काफी रिटन एग्जाम्स निकाले हैं। 2 बार NDA में, SSB में आउट हुआ, 1 बार FCAT में, और 2 बार फिर CDS में। 6th अटेम्प्ट में इसने अपना CDS का SSB क्लियर किया। ठीक है, सो इसकी जर्नी के बारे में जानेंगे। और जो बेस्ट पार्ट है वो है आफ्टर रिकमेंडेशन। आफ्टर रिकमेंडेशन बंदा 7 बार, 7 TR मिला है इसको, 7-7 TRs इन मेडिकल। तो उस पार्ट को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये वीडियो जनरली मैं कोशिश करता हूँ मेरे सारे वीडियो 1 घंटे के नीचे हो। ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, तो आप लोग थोड़ा पेशेंटली सुनिएगा एंड जस्ट लिसन टू हिज जर्नी, व्हाट ही हैज टू स्पीक, व्हाट ही हैज टू ऑफर। अर्पित, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन भाई, एंड प्रिविलेज टू हैव यू ऑन आवर शो। अपने बारे में ऑडियंस को थोड़ा बता, कौन है अर्पित, कहाँ से तेरे को मोटिवेशन मिली, बिकॉज तेरे फैमिली में कोई है नहीं फौजी बैकग्राउंड का, तो हु गेव यू दिस मोटिवेशन, एंड अपने बारे में बताया बेसिकली। मैं सेंट मार्क्स स्कूल में पढ़ता था सर, क्लास 10th में एक कोई काउंसलिंग सेशन कंडक्ट हो रहा था कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं बच्चों को आगे। तो उसमें मेरे को पता चला था कि इंडियन आर्मी में भी जैसे जा सकते हैं, तो NDA एग्जाम के बारे में पता चला था। तो मैं 11th 12th में तो इतना ज़्यादा सीरियस था नहीं, बट मन में था कि आर्मी में जाना है, बट वही है कि मैं अकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस था मेरा उस समय, तो उसमें मैं लगा रहा। तो मैंने 12th वाला अटेम्प्ट मिस कर दिया अपना NDA का। तो फिर उसके बाद के 2 अटेम्प्ट्स मैंने दिए थे, उसमें फिर मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया था। फिर मैंने रियलाइज करा कि नहीं, मतलब मैं बच्चों को देख रहा था उधर कि यार अभी तो मैं इनसे बहुत पीछे हूँ, इनमें जो क्वालिटीज़ अभी मेरे में है ही नहीं, मतलब इन्फीरियर महसूस कर रहा था मैं SSB में जाके। तो फिर कोविड आ गया, उसमें फिर मैंने अपना CDS के लिए प्रिपेयर करा। उसमें मैंने रियलाइज करा कि एक एग्ज़ाम के साथ मैं मल्टीपल एग्जाम्स को आगे भी टारगेट कर सकता हूँ।
तो दो 2021 का जो ईयर था और 2022 का स्टार्टिंग का पार्ट, मैंने 1.5 साल में इतनी वो एग्जाम्स की प्रिपेयर कर ली कि सारे रिटर्न एग्जाम्स निकल जाए। फिर मैंने एफकेट का एग्जाम भी दिया, मैंने CHSL CGL CPO एग्जाम्स दिए हैं साथ में, और फिर अपना CDS का एग्जाम भी दिया है। फिर मैं CDS से भी आउट हुआ था 2 बार, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, एफकेट से भी आउट हुआ था, और अब फाइनली CDS में रिकमेंड हुआ हूँ। ग्रेट यार, ग्रेट। बेसिक क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है। CDS का पेपर की तैयारी कैसे की? बिकॉज 200 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज वेरी रेयर कि किसी के 200 के ऊपर हो, एंड ही हैज गॉट रिकमेंडेड। दोनों चीजें नहीं होती है जनरली। तो अपने इसके बारे में बता, व्हाट इज एन आइडियल स्ट्रेटेजी इफ वन हैज 6 months, लेट से, ठीक है। तो तो व्हाट सिक्स इज मंथ्स एन, का बहुत टाइम है, हाँ आराम से चल, निकल सकता है। जितना तेरे को लगता है कि हाँ वो जितने भी मंथ्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो क्योंकि मैं एक CNDA, मैं CDS नहीं पता मेरे को, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता, बट तू बता कि कैसे CDS की तैयारी कर सकते हैं। व्हाट इज द परफेक्ट स्ट्रेटेजी? और रिसोर्सेज बताइयो, यूट्यूब वीडियोस बताइयो, सब थोड़ा डिटेल में बताओ ऑडियंस को। जो OT होता है उसके लिए तो मैथ्स तो आता नहीं है उसमें, इंग्लिश और GS होता है। बाकी जो यस IIM IIM और AFA है उसमें मैथ्स भी इंक्लूड होता है। तो बेसिकली सर मेरे मानना है कि सर इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर कोई 60 तक नंबर तो आराम से ले आता है, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा टफ है नहीं CDS में। मतलब जो इंग्लिश बैकग्राउंड जिसका है वो तो आराम से 60+ नंबर तो ले आता है, बट कॉम्पिटिशन सर आता है 70+ और 80 तक नंबर लाने में इंग्लिश में। बिकॉज सर इंग्लिश सब्जेक्ट है जहाँ पे मार्क्स खींचे जा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, बट GS में आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे, बी एड पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री इंजीनियरिंग कुछ भी सर, सब कुछ कवर करना पड़ेगा। तो सर इंग्लिश के लिए मैं मानता हूँ कि सर रीडिंग ज़रूरी है बहुत, क्योंकि उसमें आधा पेपर ना वो रीडिंग बेस्ड होता है। तो रेगुलरली न्यूज़पेपर्स पढ़ना या फिर कोई भी मैगजीन्स पढ़ना, करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ोगे तो दोनों काम होते हैं। तो बेसिकली सर रीडिंग जितनी इम्प्रूव होगी ना उससे इंग्लिश में नंबर उतने सारे से खिंचे चले जाएंगे, क्योंकि सर चीज़ें सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं और क्वेश्चन देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ इसका यही आंसर होगा। सर एक गेस वर्क होता है ना, मन में अपने आप आ जाता है इंट्यूशन। बाकी जिसका इंग्लिश का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए बेसिकली दो बुक्स हैं सर, या तो एक SP बख्शी की बुक है या एक नीतू सिंह की बुक है। ये बेसिक से पढ़ा सकती हैं बच्चे को, और बाकी सर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल हैं तो वहाँ से बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। जैसे सर जो SSC के टीचर्स हैं वो भी पढ़ाते हैं इंग्लिश, तो अगर वहाँ से पढ़ोगे तो भी इंग्लिश का बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो CDS की इंग्लिश है ज़्यादा टफ नहीं है, तो इंग्लिश का तो सर यहाँ से इजीली कवर हो सकता है। बाकी सर PY की उस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि काफी एंटोनिम सिनोनिम के सर सेम रिपीट हो जाते हैं PYQs, जो उसके ऑप्शंस होते हैं अगली बार वही मेन क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं अगले पेपर में। अब सर रही बात GS की, जो बच्चों का मेन इशू होता है, क्योंकि सर उसमें बहुत सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, और आजकल सर UPSC का ट्रेंड थोड़ा मुश्किल की तरफ शिफ्ट भी हो रहा है हल्के हल्के सर। मतलब जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेसिकली सर वही स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं सर, सब जो सबको पता होती हैं वो ही पढ़नी होती है। बट सर जो गलती मेरे हिसाब से बच्चे करते होंगे ना वो ये होता है कि रिविजन नहीं करते हैं। सर जितनी ज़्यादा रिविजन करोगे उतना ही ज़्यादा सबकॉन्शियस में स्टोर होगा, क्योंकि सर अब पॉलिटी की बुक ले लो आप, लक्ष्मीकांत की बुक है, वो इतनी बल्की बुक है कि अगर उसको आप 20 बार भी पढ़ोगे ना तब भी आपको लगेगा कि कुछ रह गया है। तो माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स के लिए सर रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सर वही जोग्राफी के लिए NCERT 9th 12th की, और सर हिस्ट्री के लिए सर 12th क्लास की 3 बुक्स हैं। बाकी मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम की बुक है, उसके अलावा फिर साइंस के लिए 9th और 10th की NCERT सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 27-28 क्वेश्चन 9th और 10th के NCERT से ही आते हैं। बाकी सर करंट अफेयर्स के लिए तो सर CDS जर्नी का तो चैनल है वो तो बेस्ट है ही सर, वो तो अनुराग बिल्कुल भैया से भाई, पढ़ाते हैं बिल्कुल अनुराग भाई, इफ ही इज वो वॉचिंग तो दिस सर वीडियो, हम तो फैन है भाई उसके, हम बहुत तो बड़े बड़े सर, फैन है सैल्यूट सर, भाई। रोडी बस सर सल्यूट पढ़ा भाई रोडी सैल्यूट। पढ़ाते भी सर एकदम तरीके से हैं, मतलब वैल्यूज के साथ पढ़ाते तो बहुत अच्छा है सर। तो वहां से बिल्कुल करंट बिल्कुल। अफेयर्स कवर हो जाएंगे, इजीली कवर हो जाता है। तो यही मेहनत GS का करता कोर है है यार सर। वो बंदा, वैसे भी मैंने देखा काफी, क्लास के लिए भी मेहनत करेगा, क्लास में भी मेहनत करेगा, बच्चों के साथ भी बहुत लगा रहेगा। He deserves बहुत सर, all the success he's getting, no doubt. और क्या सर YT से ऐड भी Great. हटाए हुए हैं उन्होंने हाँ सारे जितने भी सारे YT के ऐड भी हटाए हुए हैं, मतलब बच्चों के पे उसके लिए जितने भी एड्स हाँ आते हैं ना। YouTube पे हाँ उसने एड्स हटाए ना ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। वही ग्रेट यार, मेरे से तो नहीं हो पाएगा तो भाई। मैं भी बहुत ही बीच में अलग कोशिश किया है था एड हटाने का, लेकिन एडिटर का खर्चा इतना है कि नहीं हो पाएगा। बट एनीवेज, हाँ फिर तो सर। बाकी इकोनॉमिक्स का जैसे अभी थोड़ा ना शिफ्ट इकोनॉमिक्स में बढ़ रहा है UPSC का, तो उसके लिए माइक्रो मैक्रो की बुक्स आती है 9th 12th की, वो काफ़ी यूजफुल होती है NCERTs।
बाकी सर यही कोर है जीएस का, और पीवाईक्यू करने चाहिए, सारे एग्जाम्स के करने चाहिए। ऐसा नहीं आप सीडीएस का पेपर दे रहे हो तो आपको एनडीए के जीएस के क्वेश्चंस भी करने चाहिए, वो क्योंकि यूपीएससी की पेपर बना रही है तो वो क्वेश्चंस इधर से उधर शिफ्ट करती रहती है। सीएपीएस के करने चाहिए, अगर टाइम है तो सीएससी के भी ट्राई करने चाहिए, क्योंकि सर कुछ क्वेश्चन सीएससी में भी ईजी होते हैं जो करने लायक होते हैं, तो वो सब बिल्कुल ट्राई करना चाहिए पीवाईक्यू को मिला के। बाकी अब रही बात मैथ्स की, तो सर मैथ्स का पेपर 2022 तक तो आसान आता था, बट 2023 में पहला और दूसरा इस बार का भी जो हुआ था, थोड़ा मैथ्स टफ बनाना शुरू करा है यूपीएससी ने, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो जिस बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो मैथ्स कर सकता है, और जैसे यूपीएससी क्वेश्चंस बना रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी मिलना बहुत मुश्किल है किसी भी बुक में, क्योंकि एकदम से ट्रेंड चेंज करा है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें, जितना हो सके कॉन्सेप्ट को पकड़ लें, ना कि क्वेश्चंस को रटें। मैथ्स में फॉर्मुलेस अच्छे से कर जाए अपना, और जितने भी सर आजकल तीन चीजों पे मेनली मैथ्स चलती है, नंबर सिस्टम पे, ज्योमेट्री पे और एल्जेब्रा पे, इन तीनों पे मैथ्स का हो रहा है, तो इन तीनों को स्ट्रॉन्ग करके उसके बाद सर 50 नंबर अगर किसी के आ रहे हैं ना इस बार के मैथ्स के पेपर में, तो वो भी बहुत नंबर होते हैं। और सर यूपीएससी की कट ऑफ तो वैसे भी सर 40% ही जाती है, 130 के अराउंड ही मार्क्स आईएमई की कट ऑफ जाती है 300 में से, तो वही है सर, भाई मैंने भी तेरे कभी नहीं नंबर सोचा में तो दो लोग पास हो जाएंगे। सर कभी सोच के तो मैं भी नहीं गया था कि मेरे 200 नंबर आएंगे पेपर में, वो तो पेपर के दिन की बात होती है। ऑन यार, यू बीइंग मॉडेस्ट। तेरे मल्टीपल टाइम्स 200 आए हैं। सीबीएस आई थिंक 1 में भी तेरे 200 के ऊपर थे और 2 में भी तेरे 200 के ऊपर है, राइट? यस यस सर, बढ़िया। ओके, ये तो तूने रिटर्न का तो काफी अच्छे से समझा दिया। कोई YouTube चैनल मैथ्स के लिए या कुछ जो तू यूज करता था जीएस के लिए? मैथ्स के लिए ना स्पेसिफिकली कोई चैनल है नहीं इतना अच्छा सीडीएस के लिए, तो जो एसएससी के चैनल है ना, जो एसएससी का पढ़ाते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, और सीडीएस में एडवांस मैथ्स का वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो कोई भी चैनल ले सकते हैं सर, आदित्य रंजन है, गगन प्रताप है। तो सर मैं मानता हूँ किसी भी टीचर को पर्टिकुलरली पकड़ के फॉलो नहीं करना चाहिए, जो जिसकी जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको वहां से करो, और उसके बाद ठीक है फिर दूसरे, अगर दूसरा कोई अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है तो वहां से उसका पढ़ लो, तो कभी भी एक ही टीचर के पीछे नहीं जाना। और सर इंग्लिश के लिए एक रानी मैम का चैनल है, उन्होंने बहुत अच्छे से सारा करवाया हुआ है, तो वहां से कर सकते हो। ग्रेट। बाकी हाँ सॉरी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ सर जीएस के लिए तो फिर वही अनुराग भैया का तो चैनल है, वो जीएस भी कवर करवाते हैं काफी हद तक, और जीएसपी बहुत पढ़ाते हो ना। और खुद भी तो जीएस तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा ही सारा। तो अर्पित ये बता, सीडीएस का अटेंशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? आइडियल अटेंशन स्ट्रेटेजी क्या है? सर बेसिकली जब हम जाते हैं तो सबसे पहला पेपर ना इंग्लिश का होता है, और इंग्लिश में जिसका बैकग्राउंड ठीक है उसको एटलीस्ट 115 से 120 के बीच में अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज वो हमेशा पॉजिटिव देगा। अगर आपके तीन क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और एक क्वेश्चन सही हो रहा है, तो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो वैसे ऐसा होता नहीं है कि हमारे तीन क्वेश्चन गलत और एक सही हो, जनरली वो 50-50 तो रहता ही रहता है, अगर आपका लक अच्छा है तो वो बढ़ ही जाता है। तो इंग्लिश में हमेशा टारगेट करना चाहिए कि 115 से 120 तक अटेम्प्ट करें, क्योंकि सर दो ऑप्शन तो इंग्लिश में इजिली एलिमिनेट हो जाते हैं, दो ऑप्शन पे ही फंसता है। अब सर जीएस की बात है, सर जीएस में जिस बच्चे का अच्छी प्रिपरेशन है उसको एटलीस्ट 100 तो अटेम्प्ट करनी चाहिए, और जिसको कट ऑफ का डर है उसको, अगर उसका सेफ चल रहा है कि मेरा 25-30 नंबर आ रहे हैं, तो उसको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए उसके बाद। और सर एक और चीज़ है कि जैसे मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, बट जो पेपर की हिंदी वाली साइड होती है उसको भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ टर्म्स हिंदी में ऐसी होती हैं जो इजीली समझ में आ जाती है हमको, और वो आंसर होता है उसमें। तो ये मैं हमेशा पेपर में एक क्वेश्चन तो ऐसा मिलता है तो मैं हिंदी में पढ़ के उसको अटेम्प्ट कर देता हूँ, वो सही होता है। तो थोड़ा सर जीएस के पेपर में ना खुद के इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होती हैं, वो हमारे दिमाग बोलता है यही आंसर है, तो 99% आंसर वही होता है, तो जीएस में ये जरूर फॉलो करना चाहिए। बाकी सर जब तक मैथ्स का पेपर आता है तो बहुत एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है, तीसरा पेपर बैठ के देना बहुत मुश्किल होता है, दोपहर को ऐसी नींद आ रही होती है बहुत ज्यादा। तो मैथ्स में अगर जैसे पता चल रहा है कि हमारी इजीली जीएस और इंग्लिश में 110 तक नंबर आ रहे हैं, तो मैथ्स में अगर 40-50 नंबर बन रहे हैं तो 150-160 इज अ गुड स्कोर फॉर आईएमई। तो मैथ्स में बस बेसिकली अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है तो 40-50 नंबर का टारगेट रखो, और अगर किसी की मैथ्स अच्छी है तो फिर तो सर उसका अंतिम ये नंबर बनाने का, तो ये ग्रेट स्ट्रैटेजी है। ग्रेट, बिल्कुल। अच्छा यार अर्पित, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात रिकॉर्डिंग से पहले हमने डिस्कस की थी कि इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ बैकअप प्लान, इम्पोर्टेंस ऑफ अपीयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स। यू नो आई फील, मतलब आई शुड नॉट से दिस द वे आई वांट टू से इट, बट आई फील इट्स वेरी स्टूपिड कि तुम सिर्फ सीडीएस की तैयारी कर रहे हो या सिर्फ एनडीए की तैयारी कर रहे हो या सिर्फ एफकेट की तैयारी कर रहे हो, बिकॉज ये इतना पाथ अनसर्टेन है कि यू डोंट नो कि तेरे लिए तेरे साथ फ्यूचर में क्या हो जाएगा। ठीक है, चाहे तू
ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ब्रिलियंट माइंड हो, तेरे को क्या पता कि मेडिकल में कुछ निकल है? ठीक है, तेरे को कुछ पता था अपनी बॉडी के बारे में? तेरे को इससे पहले 7 TR मिली है ना, कुछ नहीं। को है ना, तो इसलिए यू नेवर नो। सो इसलिए मेरा दरखास्त, मैं सारे ऑडियंस को मेंबर्स को बोलूंगा, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। ठीक है, जब तुम आर्मी में भी ऑपरेशंस में जाते हो ना, तो प्लान ए बी सी डी सब लेके चलते हो। ठीक है, कि ये हुआ तो ऐसे करूंगा, ये हुआ तो ऐसे करूंगा। तो इसलिए हैव अ बैकअप प्लान, और ये हम इसका अभी डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन गो अबाउट इट। अर्पित, CDS के अलावा और कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जो तूने क्लियर किए? फर्स्ट तो NDA था 12th के बाद, हाँ, है ना? पहले एनडीए था फिर सीडीएस था। तो जब हाँ सीडीएस से मैं पहली बार सर कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, तब मेरे को रियलाइज हुआ था कि मतलब अगर मैं इसी में रह जाऊंगा तो सर 24 साल के बाद क्या होगा, अगर सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं उसके बाद क्या। तो फिर मैंने देखा कि काफी एग्जाम्स हैं जो सिमिलर पैटर्न पर हैं, थोड़ा सा एक एडिशनल पढ़ना पड़ेगा बस, तो वो निकल सकते हैं। तो फिर मैंने सीएपीएफ के बारे में जाना था, तो मेरा 2022 में मैंने सीएपीएफ का पहला अटेम्प्ट दिया था। उसके लिए सर पेपर टू एक अलग से था, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत करी पेपर टू में, तो फिर वो सीएपीएफ का एग्जाम इजीली निकल गया था। उसके बाद फिर सर एसएससी काफी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जैसे सीपीओ है या फिर सीजीएल है या सीएचएसएल है। तो एक स्टार्टिंग के लिए सर वो एग्जाम्स बुरे नहीं है, अगर क्योंकि सर एक एक एज के बाद फिर रियलाइज होता है कि काश हम ये पहले दे देते दे, बट बिल्कुल अगर आप वो बिल्कुल पहले ही दे बट अगर आप वो पहले ही दे दें तो फिर कितनी अच्छी रहेगा। और सर ये चीज एसएसबी में भी काम आती है, अगर आपके पास एक जॉब है तो आप एक अलग ही देखते हो, आपके पास एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है एसएसबी के अंदर, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। तो फिर मैंने सर सीएचएसएल का एग्जाम भी दिया था, मैंने सीजीएल भी दिया था, मैंने सीपीओ भी दिया था। अनफॉर्चुनेटली सर सीपीओ में मैं लॉन्ग जंप में बाहर हो गया था और सीएपीएफ में 100 मीटर में रह गया था। बट सीजीएल में मैंने ऑल्टर मिली थी मेरे को पोस्ट उसके, ऑल्दो अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है बट उससे पहले रिकमेंडेशन भी हो गई है अब, तो ये सारे एग्जाम्स दे सकते हैं हम एंड यू ऑल्सो क्लियर CAPF, CAPF सीएपीएफ। यस सर, यू क्लियर, ग्रेट। एंड यू क्लियर द इंटरव्यू ऑल्सो, है ना? सर सीएपीएफ का इंटरव्यू फिजिकल के बाद होता है ओके ओके, तेरा फिजिकल में वो गलती लग गई तेरे को स्टार्टिंग में, हंड्रेड इसलिए। मीटर में। हाँ हाँ, जी वो तो चल मैटर ऑफ टाइम है, अभी NCDS जाएंगे तेरे को बोल्ड बना देंगे वो, IMA में यूसेन बिल्कुल बोल्ड बनाएंगे तेरे बिल्कुल को। सर। ग्रेट यार, ग्रेट। अच्छा, इसके बाद जब तूने पहले 5 SSB दी, पहले तो चल NDA वाली तो तेरा मैच्योरिटी लेवल भी अलग होगा, पहले बात करते हैं वो 2 SSB जो तूने 12th के बाद दी, तुरंत ग्रेजुएशन से पहले 12th के बाद, तो उसमें क्या गलती की तूने? उसमें व्हाई डिड यू नॉट मेक इट बेसिकली? क्या, व्हाट डू यू थिंक, वेयर वर यू? सर एक तो 12th के बाद सर इतना कॉन्फिडेंस था कि यार 12th में 97% आ गए हैं, एनडीए का एग्जाम निकल गया, एसएसबी क्या चीज है। एक तो लक्ष्य मूवी भी देखी हुई थी, एक छोटा सा इंटरव्यू है अच्छा, निकल जाएगा ये क्या चीज है। बट फिर मैं थोड़ा MBA बस में कितना ज्यादा रिटर्न स्कोर? सर 450 के आसपास रहा होगा सर इसमें माय गॉड, अलग ही दिमाग है भाई, तू साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बन यार, आर्मी में क्या आ रहा सर पैशन तो आर्मी का ही है ना। है? ओ भाई साहब, फिर तो फिर सर मैं गया इंटरव्यू में, मतलब मेरे को ऐसा पता था बेसिक बेसिक क्या होता है, ऊपर से सारे टेस्ट बता दे तो स्क्रीन इन हो गया, मेरे को लगा अब तो होना ही है। उसके बाद फिर जब टेस्ट शुरू हुए तो फिर सर वही कहते हैं ना, रॉ जाओ रॉ जाओ, बट सर कुछ तो पता होना भी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता एकदम ही रॉ जाके आप निकल जाए। तो वहां पर फिर सर ब्लंडर से ब्लंडर बहुत सारे, साइकोलॉजी में भी, जीटीओ में भी, इंटरव्यू में भी। इंटरव्यू में सारे के बारे में पूछा, मेरे को कुछ नहीं पता, पूछ रहा है कितनी कमांड्स होती है कहाँ होती है, मेरे को कुछ नहीं पता, बिल्कुल ब्लैंक। फिर ऐसे करते करते सर बिल्कुल पता चल गया था कि इसमें तो पक्का आउट होना ही है, क्योंकि सर वहाँ आपने देखते हैं बच्चों को कि कितना अच्छा कर रहे हैं, हमसे बेटर कर रहे हैं, पता चल जाता है काफी हद तक कि कहाँ कमी हो रही है हमने। तो एनडीए में तो दोनों अटेम्प्ट में ऐसा ही रहा था। फिर इसके बाद सर एफकैट का दिया था मैंने, एफकैट में भी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, तो वहां तक तो सर थोड़ा पता चल गया था कि कैसे करते हैं क्या, बट कोई है सर लक की बात होती है, उस समय का टाइम की बात होती है, तो उस समय नहीं हुआ। ऐसे सीडीएस में भी सर कि मेरे को जो मेरे से पहले वाला जो अटेम्प्ट था उसमें को काफी लगा था कि हाँ मैं काफी क्लोज हूँ, और सर जो ये वाला अटेम्प्ट था इस पे तो मैंने बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दिया था एसएसबी के लिए, बिल्कुल रॉ गया, एकदम ऐसे गया था कि जो पहले का पढ़ा हुआ है उसी के बेसिस पे जाता हूँ। और मैं तो सर सुबह सुबह 6 बजे की रिपोर्टिंग थी, मैं 5:45 बजे ट्रेन से उतरा हूँ 5:45 बजे ट्रेन से उतरा हूँ, बाहर इलाहाबाद सेंटर था, वहाँ पे बाहर एक बाइक वाला खड़ा था, चलो फिर मैं उसके साथ गया हूँ, और एग्जैक्ट 6 बजे मैं एसएसबी सेंटर पहुंचा हूँ। मैंने कहा कौन कौन पैसे खर्च करेगा सर, 1000 2000 रुपये हर बार खर्च होते थे बाहर रहने के, मैंने कहा इतने पैसे हैं नहीं खर्च करने के लिए, एकदम एंड मोमेंट पे पहुंचा हूँ मैं। और उसके बाद फिर सब एकदम प्लेस पे पढ़ता गया अपने आप, और सर रिकमेंडेशन आ गई। ग्रेट यार, ग्रेट।
और जब ये जो तू अपनी छठी SSB गया है CDS वाली, ठीक है, तो इसमें अलग क्या परफॉर्म किया तूने वहां पे? इसमें सर मैंने एक तो मेरा बिल्कुल प्रेशर हटा दिया था अपने ऊपर से कि रिकमेंडेशन लेनी है, क्योंकि सर मेरे पास एक जॉब थी तो मेरे को ये था कि अगर ठीक है मेरे को ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, देखा जाएगा। और सर बाकी मैंने हर बार ऐसा होता था कि जो पिछले टास्क टास्क करे होते थे उसका कहीं ना कहीं दिमाग में रहता था, इस बार मैंने वो चीज़ बिल्कुल निकाल दी थी कि जो टास्क आएगा वो टास्क करना है। जैसे सर GTO में भी जो GPA होती है उसमें एक गलती हो गई थी मेरे से, जो स्केल होता है वो 10 सेंटीमीटर की जगह मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया था, तो जो प्लान लिखना होता है उसमें भी सर सब चीज़ में गलती हो गई होगी, टाइम में डिस्टेंस में। तो बट फिर वही है कि बट मैंने उसके बाद जो आगे वाले टास्क थे उसमें बिल्कुल उस चीज़ को लाने नहीं दिया कि यार मेरे से वो गलती हो गई है, दिमाग से निकालना पड़ता है ताकि सर आगे वाले जो टास्क है वो हैम्पर ना करे परफॉर्मेंस पे। तो ये एक ये चीज थी। बाकी सर कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ा ली थी कि सर कोई भी किसी से भी इंटरव्यू के सामने डरना नहीं है, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, और अपनी नॉलेज पे काम करके सर गया था, बस करंट अफेयर्स पढ़ के गया था और कुछ नहीं करा था मैंने इस पर। और एक तेरे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा कि यार जॉब तो है ही मेरे पास, तो ठीक है, टेक इट, टेक मी और लीव मी, आई डोंट केयर मच, तो बिल्कुल बिल्कुल यही एटीट्यूड बट मैं था अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा, बेसिकली बस यही माइंडसेट। था सर। ओके, ग्रेट। फर्स्ट दिन स्क्रीनिंग, 6 SSB जब रिकमेंड हुआ है, स्क्रीनिंग, हाउ वाज द स्क्रीनिंग लाइक? क्या स्टोरी दिखाई उन्होंने एंड तूने क्या लिखा? हाउ वाज योर नरेशन? OIR कैसा गया तेरा, वो शेयर कर। ओ यार तो सर इजी वाला ही आया था, क्योंकि सर सेट्स रिपीट होते हैं और रिपीटर्स को पता होता है कि क्या सेट आना है, उसके बाद ना सब आंसर भी याद हो जाते हैं सबको, वो नया लाइन ही रहे अभी फिलहाल तो सर ओ यार तो सबको ही अच्छा जाता है जनरली। उसके बाद सर जो पिक्चर थी वो हमारे उसमें सर 80 की रिपोर्टिंग थी, 80 में से 77 बच्चों ने सेम स्टोरी लिखी थी, क्योंकि सर पिक्चर इतनी ज्यादा क्लियर थी। उसमें एक ओल्ड लेडी थी, उन्होंने एक ब्लैक कलर का चश्मा पहना हुआ था और एक उनके साथ एक लड़का खड़ा हुआ था, सबने कैटरेक्ट उनको कैटरेक्ट ऑपरेशन बनाया था। तो सर कॉमन स्टोरी से सबकी आई जानी थी, तो वही सबकी स्टोरी मैं सुन रहा हूँ। हमारे ना 20 बंदों का ग्रुप डिस्कशन था, मेरा कुछ 14वां या 15वां नंबर था, तो 1 से लेके 13 बंदों ने सबने सेम स्टोरी सुनाई है। मैंने कहा सर मेरी स्टोरी पे तो कुछ अलग है ही नहीं, बिल्कुल सेम है, तो मेरे को क्यों लेंगे ये। तो फिर मैंने सर बस अपना ये था कि नरेशन अच्छा देना है, नरेशन में बीच में रुकना नहीं है और एकदम क्लियर बोलना है कि सब सुन सकें, तो बस मैंने वही करा था, नरेशन अच्छा दिया था। फिर GD में सर बहुत कम पॉइंट्स बोलने को मिले थे क्योंकि उन्होंने सर ग्रुप डिवाइड कर दिया था, उसके बाद भी बहुत कम टाइम था, तो बस अपने पॉइंट्स एक दो बार बोले थे, उसके बाद बस फिर स्क्रीनिंग हो गए। स्क्रीनिंग में सर 26 बंदों को स्क्रीनिंग करा था और 23 बंदे तक मेरा नाम नहीं आया था, मेरे को लगा इस बार तो सीधा बैक पैक करके जाना है अब बस, बट फिर 24वें नंबर पे मेरा नाम बोला था, उसके बाद बस देखो ऐसे स्क्रीनिंग हुआ था। ग्रेट है। फिर जब तो स्क्रीन इन हो गया, फिर उसके बाद 2nd डे साइक, ठीक है, साइक में तो ऐसा हो जाता है भाई, हाथ की बुरी आदत हो जाती है, बहुत बट तेरा तो 4 बार पहले भी तू साइक टेस्ट दे चुका था, तो तेरे को थोड़ा बहुत यूज टू होगा, लेकिन स्टिल व्हाट वाज योर ब्लैंक स्टोरी लाइक? सर बैंक स्टोरी में तो मैं सर अपने से रिलेटेड लिखता था, उसमें सर मैंने वेट लॉस करा हुआ है, 40 किलो मैंने वेट लॉस करा था कोविड टाइम में, अराउंड 40 से भी ज़्यादा ही करा था, तो कितने मैं वो महीने में? लिखता था कि सर मेरे को साल भर लग गया था लगभग, क्योंकि ओके अब्रप्टली करने की जरूरत थी नहीं ना, तो एक तरीके से करा था मैंने कि आराम से हो ओके जाए, कुछ बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट भी ना पड़े। ग्रेट। हाँ तो मैं इसी के अराउंड स्टोरी लिखता हूँ अभी, तो ब्लैंक स्टोरी है कि कैसे करा था क्या था ऐसे सब। बढ़िया, तेरी तो कहानी जैसे से मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और दिलचस्प हो जा रही है, नई नई चीजें पता चल रही है तेरे बारे में। ग्रेट। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? तो बाकी साइकोलॉजी टेस्ट पे, साइक हाँ टेस्ट में सर सर 12 स्टोरी थी ना, स्टोरी में तो मैंने चीज सीखी सर अपने अटेम्प्ट से और बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे कि ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है पिक्चर की, क्योंकि लोग सर पिक्चर ऑब्जर्व नहीं करते हैं, स्टोरी पहले ढूंढते हैं कि क्या स्टोरी लिखनी है, बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो एक कोई ना कोई थॉट आपके दिमाग में आएगा ही आएगा, और उसको बिना मैं दूसरी बार सोचे वो थॉट लिख देता हूँ अपना। तो जैसे सर एक एक स्टोरी थी, एक पिक्चर थी जिसमें 3 लड़के थे, वो जा रहे थे, एक किला सा था उसके पास जा रहे थे, और एक बहुत एक हेजी सा दिख रहा था कि दो लोग उसके ऊपर चढ़ रहे हैं रस्सी डाल के, तो मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने ना वो दो हेजी पिक्चर को, दो हेजी जो लोग थे उनको देखा ही नहीं, सिर्फ ये बना दिया कि 3 लोग घूमने आए हैं, बट कहीं ना कहीं सर उस स्टोरी रॉबरी के अराउंड ऐसे कुछ बन सकती थी क्योंकि वो दो लोग भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो हम मेरे SSB में 4 बंदे रिकमेंड हुए थे मेरे को मिला के, और चारों ने उस दो जो जो चोर थे उनको देखा था, जरूर देखा था, और उसके अराउंड स्टोरी लिखी थी। तो मेरे हिसाब से सर ऑब्जर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टैट में, तो और सर टैट तो बताइए सबको कि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है साइकोलॉजी का। बिल्कुल उसके अलावा सर वैट तो सर सारे करे थे मैंने वैट में, तो और वैट सर ऐसा है कि अब मैं ट्राई करता हूँ कि अपने से रिलेटेड हूँ, जैसे अपने स्पोर्ट्स जो मैं खेले हैं या जो मेरी हॉबीज हैं
जनरली ज्यादातर, सारे तो नहीं हो पाते हैं बट जनरली, उसके अलावा एसआरटी कुछ जो कॉमन होते हैं ऐसे करके। कितने की है? ओके SRT 41 करी थी मैंने, ठीक बाकी है, इस बार हम सबको लग रहा था कि कम टाइम मिला है, वैसे हर बार ऐसा ही लगता है मिलता भी है यार, SRT थोड़ा सा टाइम काटते हैं भाई, बोलो नो काटते ऑफेंस, काटते सही काटते हैं यार, बात इवन है, आई हैव सीन दिस ओआईआर में भी काटते हैं, वो टाइम भी थोड़ा सा काट काटते हैं लेते सही, हैं। SRT में पूरे 30 मिनट नहीं देते। आई नो। फिर उसके बाद अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन में प्री प्रिपेयर्ड था, वहां पे जाके जो मन हाँ में वो है मैंने वो सर लिखा। 1 साल पहले लिख रखा था, रजिस्टर लेके गया था साइकोलॉजी टेस्ट से 1 दिन पहले, देखा था अच्छा ये लिखना है, वहां जाके छाप दिया SDT, तो सर ओके SDT तो प्रिपेयर करा हुआ था। ओके, वो कैसे प्रिपेयर किया था तूने? तूने खुद से लिखा था या यू आस्क्ड पीपल की भाई व्हाट डू यू सर थिंक? मम्मी पापा से पूछा तो ज्यादा तो बताते ही नहीं है वो लोग, बस एक दो बता देंगे, मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, पूरा बताओ मेरे को लिखना है, तो फिर थोड़ा बहुत उनको बोला करा, फिर थोड़ा अपने हिसाब से उनका बना के लिखा सर। बाकी फिर फ्रेंड्स से पूछा था एक दो, बट फ्रेंड्स भी सर एक तो इतने हरामी होते हैं, कुछ बताते नहीं है ढंग से उनको भाई आई बोलो रिमेम्बर कुछ 12th में मैंने कुछ अपने मम्मी पापा से पूछा कि मम्मी पापा सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखना है, कुछ बताओ अच्छा बुरा। भाई वो लोग बुरा ही बोले जा रहे हैं, कोई अच्छा बोल ही नहीं रहा है। मेरे मतलब बस बस काफी पॉइंट्स मिल गए, थैंक यू। इवन सेम गोस फॉर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का तो ऐसा है, हाँ ठीक है मस्त है, बकचोदी करता था और ऐसा बोल रहे, मतलब भाई ये कहाँ से लिखूं मैं। उनका अलग ही चलता है। नेक्स्ट बाकी फिर लेवल। टीचर्स वगैरह का खुद से ही बना के लिखा था, टीचर्स का तो मैंने सारा, फ्रेंड्स का भी आधा पूछा था आधा मैंने खुद से मोल्ड करके लिखा, बाकी सर खुद का तो पता ही होता है, तो मैंने वही सब लिखा था। इंटरव्यू कैसे? नहीं हाँ इंटरव्यू कैसे गया था? इंटरव्यू तो सर जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे ना वो डिप्टी प्रेसिडेंट थे हमारे, ओके बट मैं गया हूँ अंदर तब से लेके तब से बाहर आया हूँ, एक बार भी नहीं हंसे हो मेरे को देखकर, इतने एकदम सीरियस। मैंने एक दो बार तो सर मजाक भी करा उनके साथ, बट पूरे टाइम एकदम सीरियस रहे हैं, और मेरे अकेडमिक स्ट्रांग है ना, तो मेरे से अकेडमिक्स पे ड्रिल करा है मेरे को पूरा अच्छे से, पता नहीं कहाँ कहाँ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या क्या पूछ लिया सर। ऐसा है मैं CAPF के ना ऐसे भी चेक करता था जैसे बीच में अभी, तो वो मैंने उनको बताया था कि मैं CAPF कैसे चेक करता हूँ, ऐसा सोर्स ऑफ इनकम का उसमें जो कॉलम होता है उसमें बताया था, तो मेरे से पूछने लगे तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है, तुमने क्या कैसे, फिर मैं पूरा ज्योग्राफी के बारे में पूछने लग गए कि 24 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे जो लाइन्स हैं उसको हम और कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, वो वहीं पर ही क्यों है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं और क्यों नहीं है, मतलब ऐसे करके पूरा ग्रिल करा है। बाकी फिर करंट अफेयर से पूछा था मेरे से अच्छे से, और PI के तो सर चलता ही है, एक इंटरव्यू में से पूछ, मैंने वो तो मेरे से कन्विंस ही नहीं हो रहे थे कि मैंने वेट लॉस करा है, कहते तुमने कैसे कर लिया इतना वेट लॉस अकेले बिना किसी गाइडेंस के तुमने क्या खाया, एक एप्पल में कितनी कैलोरीज होती हैं, एक पपाया में कितनी कैलोरीज होती हैं, एक फिर एक तूने किलो में कितने बोला होगा एप्पल कि मैं आते हैं, कैलरी डिफिशिएंट खा रहा हूँ, कैलरी ट्रैक कर रहा हाँ हूँ, बोला ना कैलोरी तूने? डेफिसिट खा रहा हूँ हाँ बट सर फिर भी एक एप्पल में कितनी कैलोरीज है, एक एप्पल में कितना वेट है, मैंने कहा सर वो तो एप्पल के साइज पे डिपेंड करता है कितना बड़ा एप्पल कितने कैलरीज खा रहा था दिन के तब? सर उस समय मैंने बहुत कम खाती थी, मतलब 1500 खा रहा था और मैं 2500 तक कैलोरीज बर्न कर रहा था, मतलब 20 20 किलोमीटर भागना, कार्डियो करते रहना सारे टाइम ऐसे। बाकी तो मेरे से पूछते कि क्या क्या दिक्कतें आती है वेट लॉस करने में, मैंने कहा सर मम्मी की डांट पड़ती है बहुत ज्यादा मम्मी डांटती है इतना वेट क्यों कम कर लिया है। फिर मेरे को फिर वो फ्रेंड्स के बारे में ग्रिल करने लग गए, कहते फ्रेंड से क्या बातें करते हो तुम, मैंने कहा सर बहुत बातें होती हैं, सीक्रेट शेयर करते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं, कहते क्या सीक्रेट शेयर करते हो, मैंने कहा सर सीक्रेट तो नहीं बताऊंगा आपको मैंने लिटरली बोला, मैंने कहा आप हंसेंगे, बट हंसे ही नहीं वो पूरा टाइम सीरियस एकदम, बट ठीक है उनका अपना सर तरीका होता है जज करने का। तो इंटरव्यू सर सही गया था मेरे हिसाब से, ठीक ठीक गया था, बट मैं खुश नहीं था इतना ज्यादा कि मैं कुछ आंसर नहीं दे पाया हूँ, बट अपनी तरफ से जो नहीं आता था मैंने मना कर दिया था सर नहीं आता। बढ़िया यार, ग्रेट अर्पित, बढ़िया, सही, तेरा स्टेट ऑफ माइंड बहुत सही है। मतलब सीडीएस वाले बच्चों का ना ये मजा आता है कि बड़े मैच्योर माइंड है, समझ रहे, ये तो तो है सर इसलिए बात करने में भी सही लगता है काफी कंपैरेटिवली। जो मैं एनडीए एनडी से बात कर रहा था बोल रहा, अरे यार क्या बच्चा सा है यार ये बट ठीक है, दे हैव देयर ओन जर्नी, धीरे धीरे दे विल गेट टू नो। अच्छा उसके बाद बता मेरे को जीटीओ कैसा गया तेरा? 2 दिन, हाउ मेनी ऑब्स्टेकल्स, कमांड टास्क, रस्सा फटावली भी? तूने कोई कोचिंग तो ली नहीं, नहीं, सो बिना कोचिंग के एयर वन इज लाइक ग्रेट फिट यार, तो वो थोड़ा बता ऑडियंस को।
सर जीटीओ में ऐसा था, मैं जीडी और जीपी वगैरह में कॉन्फिडेंट था लेक्चर एट में, क्योंकि सर मेरा करंट अफेयर्स का नॉलेज, मैं कौन चीज़ों के बारे में काफ़ी पता था, क्योंकि मैंने सीएपीएफ के लिए भी प्रिपेयर किया था, और मैं वैसे भी थोड़ा करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहता हूँ, मेरे को पसंद है न्यूज़पेपर पढ़ना, थोड़ा इन चीज़ों के बारे में जानना करना और बोलना पसंद है इन चीज़ों के ऊपर। तो जीडी में तो सर दिक्कत आई नहीं बहुत, क्योंकि दो टॉपिक थे और ज़्यादा मुश्किल होते नहीं है टॉपिक्स, अगर आपको थोड़ी बहुत भी पता है उससे बोल सकते हो आप। और ये चीज़ मैंने सर अपने अटेम्प्ट से सीखी है कि कम बोलो बट लॉजिकल बोलो, कि लोग तुम्हें सुने, तुम्हारी बातों से एग्री करें, तुम्हें सुने, और सर पता चल जाता है वो कि अगर आप अच्छा बिल्कुल बोल रहे हो तो 10 लोग आपको, जो जितने भी लोग बैठे हैं आपको बैठ के सुन रहे हैं, आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और जब वो खुद कुछ बोल रहे हैं तो आपकी तरफ देखेंगे। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है सर, जीटीओ चारों तरफ घूमता रहता है देखने के लिए कि क्या, जैसे हर किसी के पीछे आगे बैठ जाते हैं, तो जीटीओ में फोकस ना करके बस अपने हिसाब से बोलते रहो। बाकी सर जीपीई में ऐसा था, मैंने आपको बताया था मैंने ब्लंडर कर दिया था जीपीई में, बट ठीक है। उसमें एक चीज मैंने जो नोटिस करी कि जो जिस बंदे को कॉमन प्लान बोलने के लिए बोला था उसने एक छोटी सी गलती कर दी थी, उसने बोल दिया था कि हमें रिवर से एक इंजर्ड बंदे को लेकर जाएंगे हॉस्पिटल में, जबकि जो स्ट्रीम थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी। तो जो सर जब जीटीओ पूछते हैं कि डू यू ऑल एग्री विद द प्लान, तो मेरे से पहले 5 बंदों ने बोल दिया था यस सर वी डू एग्री, बट मैंने बोला था नहीं सर एक एक छोटी सी मिस्टेक है, जो हमने जो भी डिस्कशन किया था उसमें हम उसको रोड से लेकर जाएंगे ना कि रिवर से। तो फिर जो मेरे बाद दो बंदे थे उन्होंने भी सेम चीज को हाईलाइट करा, तो मेरे को लगा कि सर जो एक प्रीकंसीव चीज होती है ना कि अगर किसी ने प्लान बता दिया तो ग्रुप का सपोर्ट करना है कि नहीं, हाँ 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 करना है, मेरे हिसाब से सर अगर कुछ बहुत ही मेजर चीज है तो आप पक्का उसको एक बार पॉइंट आउट करें, क्योंकि सर एक प्लान डिस्कस हुआ था अगर उससे डाइवर्ट हो रहा है बहुत मेजर इशू में तो बोलना मेरे हिसाब से लॉजिकल बनता है। और सर वो बंदा भी रिकमेंड हुआ जिसने कॉमन स्टोरी सुनाई थी और मैं भी, तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप नरेशन कर रहे हो कुछ ब्लंडर हो जाए तो आप आउट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो सर ये सब मिथ्स होते हैं कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, उस समय आपको जो एकदम सही लगे वो करना चाहिए। उसके बाद फिर हमारा पीजीटी हुआ था, पीजीटी वगैरह भी सर जो है सर रस्सा बल्ला फट्टी फट्टा जो भी है सर मैंने कब अपने प्रीवियस अटेम्प्ट से सीखा है और यूट्यूब वीडियोस पे सीखा है, बाकी मैंने कभी इसको ज्यादा हाथ वाथ में नहीं उठाया, इतना ज्यादा शहर के बच्चे इतना ज्यादा कभी करा नहीं ज्यादा सच में। तो ग्रेट वहां जाकर ही सब जैसे जो आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में तो ठीक है तो लगा दो, नहीं आ रहे हैं तो लोगों की हेल्प करो उसको करने में, अगर आप आगे नहीं जा पा रहे हो तो बीच में जाके आप पीछे वालों को आगे लेकर आओ, उनको आगे भेजो। तो सर मैंने यही करा है पीजीटी में, जहां मेरे को समझ में आया मैंने आइडिया लगा दिया, जहां नहीं आया उसमें लोगों की हेल्प करी निकलने के लिए, और सबसे एंड में आ गया निकला था मैं बस। पीजीटी और एचजीटी तो ऐसे हो गया था। फिर उसके बाद हमारा फिर लेक्चरेट हुआ था, लेक्चरेट में भी सर मेरे को G20 में मिला था, मैंने कहा सर ये टॉपिक आ गया अच्छा खासा, इस पर भी मैंने पढ़ा था 2 दिन पहले, तो G20 में तो मैंने मतलब आराम से 3 मिनट बोला है बहुत अच्छे से, और लोग भी कहते तेरा लेक्चरेट तो बहुत अच्छा गया है, एकदम ऐसा लग रहा था कोई यूट्यूब चैनल चला दिया है फिर बंद हो गया एकदम द्रो ना सोच बाय मंगल टाइप तो लेक्चरेट भी मैं सर ठीक गया था। ध्रुव राठी फिर बोलने वाला था, फिर मुझे याद आया बहुत गालियां पड़ेगी तो इसलिए फिर मैंने सोच बोल दिया। उसके अपने पंगे वो हैं थोड़ा मतलब वन साइडेड बोलता तो है कभी कभी, मैं आई बोलता है बोलता है, फील दैट थोड़ा ज्यादा ही लेफ्ट टाइप लीन करते। हाँ सेंट्रिस्ट है थोड़ा है आपका आई बिलीव सेंट्रिस्ट ऑप्शन होना चाहिए कि आप हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव्स देखो और फिर आप रिएक्ट करो। बिल्कुल, जैसे नीतीश राजपूत करके एक बंदा है, वो काफी हाँ सेंट्रिस्ट बताता है आपको, तो आई फील दैट वे। बट हाँ एनीवेज हम कहाँ थे? जीटीओ कमांड टास्क। लेक्चरेट सर लेक्चर खत्म हो गया, हाँ उसके बाद लेक्चरेट लेक्चरेट सॉरी सॉरी फिर हमारे 6 टास्क हो गए थे दिन के, तो फिर वहाँ पे बारिश का भी माहौल था ना कि बारिश आ सकती है, तो जो हमारा जीटीओ थे सर वो पूछते कि आयो आज करने हैं कि कल करने हैं, सबने बोल दिया कि सर कल करेंगे अब थक गए, जैसे मतलब सब थक ही रहे थे सर कल करेंगे, मैं कहता चलो कोई बात नहीं आज ही करते हैं। मैं कहा सर फिर पूछ ही क्यों रहे थे, तो आज ही करवाने थे तो। फिर सब लेके गए उनको आयो कराने के लिए, तो सर मेरा हमेशा से ही होता था 8 9 8 9 होते थे, मतलब पूरे 10 तो कभी हुई नहीं, वो बैलेंसिंग बीम हमेशा अड़ी, आज तक मैं बैलेंसिंग बीम नहीं कर पाया हूँ बिल्कुल। और वो तो बारिश भी होती है और वो बैलेंसिंग बारिश बीम भी भी होती है। गोल होती है, सीवो नहीं होती, फ्लैट। हाँ हाँ तो 9 करे थे इस बार भी मैंने, वो बैलेंसिंग बीम भी रह गई थी उस पर, एक बार ट्राई करा था इतने में फिर टाइम खत्म हो गया था, तो 9 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स करे थे। उसके बाद फिर सर अगले दिन पे हमारा कमांड टास्क हुआ था, कमांड टास्क में भी मेरे को सबसे लास्ट पे बुलाया था जीटीओ ने, मतलब मेरे ग्रुप में 9 बंदे थे तो मेरा 9वां ही नंबर था, बाकी मेरे को 4 लोगों ने बुलाया था उसमें हेल्पर के रूप में। और उसके बाद फिर जब मेरे बारी आई थी लास्ट में, मेरे को बॉम्ब वाला टास्क मिला था, तो फिर मैंने 2 बंदों को बुलाया था, फिर वो टास्क भी हो गया था, इजीली हो गया था, मतलब ज्यादा मुश्किल था नहीं उसमें, एक तरफ से जाना था दूसरी तरफ से बॉम्ब लेकर आना था बस।
तो ऐसे जीटो भी खत्म हो गया था। पर इस बार सर फीलिंग आ रही थी कि मतलब मेरा बेस्ट एसएस भी गई है, होना ना होना वो बात की बात है, बट इससे अच्छा मैं नहीं कर सकता अब, तो इस बार हुआ है। रिग्रेट्स नहीं हाँ होंगे कम से कम। इस बार कोई कुछ नहीं है जैसे कि इसमें और कर सकता था उसमें, बट इस बार सब अच्छे से प्लेस किया था अपना। ग्रेट, बड़ा अच्छा बन रहा है। हाउस योर कॉन्फ्रेंस, कितनी देर चले? कॉन्फ्रेंस में सर ऐसा था, मेरा लास्ट में चेस्ट नंबर था तो थोड़ा सा वेट हुआ था मेरे में, मतलब मेरे को जब कोई बंदा वेट कर रहा होता है ना उसको तो नहीं पता चलता कि कितना वेट हो रहा है, वो पीछे वाले बताते हैं कि इतना वेट हुआ तेरे में, इतना वेट हुआ है। तो मैं गया अंदर, तो मेरे से पहले तो नॉर्मल जो क्वेश्चन सबसे पूछते हैं कि हाउ वाज योर स्टे, कि हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू मेक हियर, फिर मेरे से थोड़ा एक्स्ट्रा जीटीओ के क्वेश्चन पूछने लग गए कि जीटीओ के टास्क क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने जीटीओ में कितने दोस्त बनाए, जीटीओ में तीन अच्छे लोग कौन थे, तीन लोग को जो और अच्छा कर सकते थे, आपका जीटीओ ग्रुप और ग्रुप से कैसे अच्छा था। तो बेसिकली मेरे से ग्रुप्स पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे क्योंकि सर मेरा कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड्स कम है, जैसे इतने ज्यादा फ्रेंड्स हैं नहीं, तो मेरा थोड़ा ज्यादा अकेडमिक स्ट्रॉन्ग है तो मेरा फ्रेंड्स का सेक्शन थोड़ा कम है, तो बेसिकली वो चेक करने के लिए वो मेरे से पूछ रहे थे कि जीटीओ की कैसे मतलब मेरे कोप अप करा होगा, तो थोड़ा इस पे मेरे से पूछा था जीटीओ पे बेसिकली, बस फिर कितनी देर बढ़िया। वेट रहा था। कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट, एसएसबी का रिजल्ट पे आते हैं। जब तेरा चेस्ट नंबर लिया, व्हाट वाज द फीलिंग? मेरे से पहले सर तीन बंदों को नाम लिया था, मेरा लास्ट में नाम लिया था, मेरा 24 चेस्ट नंबर था, उन्होंने जैसे ही बोला 24 तो सर विश्वास ही नहीं होता एकदम ना, कि हमेशा हम देखते हैं कि लोग उठ के एक दूसरी जगह जा रहे होते हैं उनका नाम लिया जाता है, तो इतना इतना ज्यादा सर इमोशनल मोमेंट था, मतलब मैं रोया तो नहीं बट ऑलमोस्ट हो ही गया था, रोया नहीं बट ऑलमोस्ट सर हो गया था, बट उसके बाद फिर वही सर सब सब मिलते हैं एक दूसरे से, फिर हमें बोल दिया गया कि जाओ अपने बैग ले आओ, बट अभी घर पे कोई कॉल नहीं करेगा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, हम फॉर्म भर रहे हैं कोई कॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉर्म भरवाते हैं ना फिर किसी लेफ्टिनेंट कर्नल सर से मिलवाने लेके चले गए थे हम, उन्होंने फिर वो बताते हैं कि क्या होगा आगे, तो ना घर पे बता पा रहे हैं कुछ, तो फिर थोड़ी देर बाद घर पर बताया, फिर सब खुश हो गए सर बहुत ज्यादा, मतलब हर बार फोन करके बताते थे नॉट रिकमेंडेड, वापस आ रहे ट्रेन के टिकट करा दो बस। टिकट दो। वर्स्ट फीलिंग यार, वर्स्ट फीलिंग। सच में सर, बट इस बार फिर रिकमेंडेड बोला, तो पहले तो उन्होंने नॉट रिकमेंडेड सुना, मैंने कहा नहीं भाई रिकमेंडेड हूँ मैं। उसके बाद एक दिन की ग्रेट खुशी यार, थी, ग्रेट। अगले दिन से मेडिकल शुरू हुए, सारी खुशी गायब हो गई मेडिकल के बाद से, उसके बाद अभी जब मेडिकल खत्म है तो खुशी वापस आई है। ग्रेट यार। ओके सो अर्पित, रिकमेंडेशन तो हो गया तेरा, गुड न्यूज भी दे दी तूने पेरेंट्स को, ठीक है। लेकिन अब आता है असली इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। तेरे मेडिकल का बढ़िया यूनिक कहानी है, साथ टीआर और साथ तो तूने क्लियर भी की, ठीक है। तो वो थोड़ा बता अपना मेडिकल का एक्सपीरियंस, पूरा खुद से बता। सर मैं अगले दिन पे मेडिकल के लेके गए, सुबह सुबह बोल दिया था कि कुछ खाकर नहीं जाना, कब ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड होगा, तो हम सब चले गए हम। जैसे उसमें ना तो इलाहाबाद में दिक्कत ये है कि वहाँ पे कैंडिडेट्स को बहुत एनडी के तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे रिकमेंड कर रहे हैं, किसी बैच में 15 हो रहे हैं, किसी में 19 हो रहे हैं, तो हमसे जस्ट पहले एनडी का बैच खत्म हुआ था, मेरी फर्स्ट डेट थी ना सीडीएस की, तो मेडिकल में बहुत भीड़ थी बहुत ज़्यादा, ऐसे लग रहा था पूरी पूरी रेजिमेंट जा रही है मेडिकल मेडिकल देने के लिए। रेजिमेंट। इस बार यार एनडीए के बस बहुत बच्चे रेकमेंड कर दिए इलाहाबाद में, मतलब दे आर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टिंग रेकमेंडेशन, टोटल एनडीए के रेकमेंडेशन बिटवीन 650 के आसपास, 6 57 हाँ हंड्रेड के इतनी है आसपास। सर, इसके अराउंड ही है, प्लीज तो सर कंटिन्यू। ओके दो दो बस भर के जा रही थी मेडिकल के लिए, बस वापस जाती थी पूरी भर के, वापस आती थी फिर पूरी भर के वापस जाती थी, तो वहां पे बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मतलब मेरे को 11 दिन लगे पूरे इलाहाबाद में टोटल मेडिकल में, जबकि 4 या 5 दिन का ही काम होता है मेडिकल का, तो सब पहले दिन पे सब कुछ हो गया, अल्ट्रासाउंड हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, ये सारे टेस्ट हुए, तब तक तो कुछ बताते तो है नहीं वो सर, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आई चल रहा है किसी का, एक सर 10 मिनट के काम के लिए आपको सुबह से दोपहर तक वेट करना है और 3 बजे तक, जब बस आएगी आप तभी वापस जा सकते हो, वहां पे तो सर ऑफिशियली फोन लाना भी अलाउड नहीं था, तो आप ऑफिशियली फोन भी नहीं लेके जा सकते हो, एंड अनऑफिशियली यू तो आर सर द लास्ट प्रायोरिटी देयर, लाइक बिल्कुल पहले अपना ऑफिसर्स या ट्रूप्स, उनकी फैमिलीज, फिर गाय बकरी, सिविलियन क्राउड, पाकिस्तानी चाइनीज सिटीजन्स, इंटरनेशनल सिटीजन्स, एलियंस, देन बिल्कुल मार्स पे रहने वाले लोग, एंड में रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। वहां पर एक ऑफिसर थे वो बोलते अच्छा है तुम लास्ट प्रायोरिटी करो है एक हॉस्पिटल में, मैंने कहा सर ये तो है बट हमारा टाइम भी तो वेस्ट हो रहा वही सही है, सुबह से शाम तक बस बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, फिर लास्ट में आओ भाई 5 मिनट का काम करो, जाओ यही होता था, नेक्स्ट लेवल, फिर कंटिन्यू क्या हो फिर।
आई टेस्ट में 2 दिन लगे थे, आई टेस्ट हुआ था, उसके बाद फिर डेंटल टेस्ट भी करवाया था उन्होंने, वो भी 5 मिनट के काम के लिए पूरा पूरा दिन खराब होता था डेंटल टेस्ट में भी। फिर थोड़े देर सर्जिकल हुआ था सर, सर्जिकल तो इलाहाबाद का सबसे खतरनाक है, जितने भी रिकमेंड हुए ना आप किसी से भी पूछोगे तो जिसको सबसे ज्यादा तंग करा सर्जिकल वाले ने करा है सर। वो मेजर थे और सबको इतने कुछ ना कुछ पॉइंट दिया हुआ है, मतलब किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो उसको स्कॉलिसिस का एक्सरे करा के ले आओ, और एक्सरे कराने से पहले ही वो लिखा होता था TR में स्कॉलिसिस, एक्सरे बिना चेक करे। और सर मेरे को तो उन्होंने बॉडी पोस्चर का TR दिया हुआ था, मैंने 10 लोगों से पूछा बॉडी पोस्चर का TR होता क्या है, किसी ने सुना ही नहीं है कोई बॉडी पोस्चर का TR भी होता है, तो मेरे को 5 TR तो सिर्फ सर्जिकल वाले ने दिया। हाँ कौन कौन से, लेट्स नेम इट। मेरे को एक बॉडी पोस्चर का दिया था, एक मेरे को शोल्डर का दिया था, अनइवन शोल्डर काउंटर, ओके नाम भी पहली बार सुने थे मैंने, एक ओके क्यूबिटस वेलगस दिया था हाँ, कैरिंग एंगल थर्ड। कैरिंग हाँ एंगल, और एक ओके रिस्ट्रिक्टेड एल्बो दिया था, हाँ, और एक नीज में दिया था, नौकरी में था पर नहीं अच्छा, मतलब क्या था वो भी नहीं पता चल रहा। पता सर, नाम भी ऐसे अजीब अजीब से दिए हुए थे, तो ठीक है, 5 तो ये सेट हो गए फिर। 5 तो ये थे। फिर मेरा रिजल्ट 19 को पता चल गया था, 19 जुलाई को मेडिकल का, तो उसमें मैं बच्चों के TR देख रहा हूँ, किसी का 1 है किसी का 2 है, मेरे पूरा इतना बड़ा कॉलम सिर्फ मेरे लिए अलग से है, बस 7 उसमें TR लिखे हुए हैं उसमें, सात तो जगह भी नहीं होती उसमें। वो पूरे कॉमा कॉमा करके लिखा हुआ है 7 TR। फिर बाकी 2 मैं किस्में तो थी। बाकी एक मेरा लीवर में था, लीवर इन्फ्लेमेशन, ओके, और एक ईयर वैक्स था, ईयर वैक्स तो मतलब मतलब तो नॉर्मल था। तो हाँ। अच्छा, इनमें से 7ों में से कुछ ऐसा नहीं लग रहा मेरे को जो मतलब बहुत ही कुछ परमानेंट टाइप हो इन नेचर। बिल्कुल, नहीं ऐसा कुछ अगर होता तो सर वो क्लियर ही नहीं होता फिर, तो तो परमानेंट व्हाट वाला डिड कुछ यू नहीं था। डू 42 डेज में, क्या क्या किया तूने फिर? तो पहले तो मैं आया हूँ, मैं 22 को घर पे वापस आया हूँ, हमारा 21 को कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं ओके 22 ओके को घर पे आया, तो सर वही आते ही डॉक्टर के दर्शन करना शुरू कर दिए। सबसे पहले ओके लीवर वाले के पास गया, तो कहते तुम्हारा लीवर तो एकदम नॉर्मल है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो हाँ पहले पूछते क्या अल्कोहल कुछ करते हो, मैंने कहा वही कुछ भी नहीं करता मैं कहते फिर थोड़ा भागा करो, मैंने कहा मैं तो कितना भागता हूँ, मतलब तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रोज का, तो फिर कहते फिर तो हाँ कुछ भी है ही नहीं हमारे लीवर में, तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है, वो उस समय आ गया होगा, कुछ खाने पीने का ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैंने कहा चलो इवन ठीक है, बट फिर आई गॉट द सेम थिंग। आई ऑल्सो गॉट 4 TRs। तो ये तो उसमें से एक यही था, इनलार्ज लिवर। तो जब मैं वहां पे गया तो डॉक्टर ने बोला, खाल से मैं तब पगड़ी पहनता था, मैं बोला तू तो दारू पीता है? बोला नो सर। तू तो सुट्टा मारता है? तो नो सर। बोला यार हमें तो चाहिए था दारू पीने वाले अरे लोग। उन्हें पास करके भेज दिया मेरे को बेस हॉस्पिटल, AMD। बट ग्रेट एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद तो फिर लीवर की मैंने ऑल तो कुछ था नहीं, बट फिर भी मैंने मेडिसिन ले ली थी सिरप वगैरह की, प्रिकॉशन हो जाएगा कि कुछ बाद में छूटे ना, तो इस चक्कर में 1 महीना मैंने प्रिकॉशंस चलाए हैं। उसके अलावा फिर जो ईयर वैक्स था, मैंने कहा ईयर वैक्स मैं 30 दिन के बाद निकलवाऊंगा, मतलब जाने से 1 हफ्ता पहले, कि जिससे दोबारा ना आ जाए। हाँ, मेक सेंस। बाकी फिर मैं एक सर आर्मी डॉक्टर थे यहाँ पर ही, उनके पास गया था कि मेरा एक बार पोस्चर और सारे जो सर्जिकल वाले थे वो चेक कर लेंगे एक बार, तो उन्होंने बेसिकली बोला पोस्चर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ना शोल्डर में कोई दिक्कत है खास, तो बाकी जो क्यूबिटस था उसके लिए सर एक आर्म गार्ड बनता है, मैंने वो बनवाया था, उससे जो हमारी एल्बो होती है ना उसके ऊपर एक इफेक्ट पड़ता है, वो अंदर की तरफ जाती है तो उससे एंगल कम हो जाता है, ओके ओके, तो तो हाँ ये करवाया था, तो ये इससे बेसिकली डॉक्टर साहब का नाम क्या है? इनका नाम तो सुनो कभी याद नहीं, मैं आपको बताऊंगा मैसेज करके ना। ओके, नहीं, नो इश्यूज। तो ये पहले AMC के डॉक्टर थे मतलब? नहीं, AMC के डॉक्टर नहीं थे शायद, बट देखो ढंग से याद नहीं है, बट ये काफी वो पहुंचे हुए डॉक्टर थे, इतना मेरे को ढंग से याद नहीं है। ओके, तो इनको आर्मी मेडिकल्स का नॉलेज था मतलब बेसिकली। हाँ, यस शायद AMC के ही थे शायद, यस दिल्ली में? हाँ दिल्ली में ही थे शायद, ये लेफ्टिनेंट ओके कर्नल रह चुके हैं, तो लेफ्टिनेंट कर्नल कह रहा हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक रह चुके हैं ये, हाँ ओके ओके, ग्रेट। फिर काफी। उसके बाद कंटिन्यू। तो इसके अलावा फिर सर मैंने ये सब करवा लिया था, तो मेरे को था बस ईयर वैक्स का बच रहा है, पोस्चर, शोल्डर, वो सब ठीक थे तेरे? सब ठीक था सर। ओके, तो तेरे बेसिकली एंगल था और ईयर वैक्स, सब बाकी सब फालतू का ही लग रहा है मेरे को। बाकी तो सब ऐसे ही था वही, बट सर डर डर तो तो रहता ही है कि 7-7 TR किसी है को ही। बताओ हाँ तो फिर यस, रहता ही है, तो सात वही टिया फिर तो सुन के ही बोले चल ठीक है यार, तू आएगा एकेडमी तो बात करेंगे अब तो जयराम जी की। फिर वही, तो फिर मैंने सर बस वही ऐसे घर वालों का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, बहुत ज्यादा, मतलब मम्मी पापा साथ में दोस्त सबका, तो
तो बहुत ज्यादा सपोर्ट के बाद फिर सर वही 30-40 में 36 डेज के बाद गया था, मतलब एएमबी रिपोर्ट कर रहा था। वहाँ पे भी काम बहुत स्लो है सर, दिल्ली बिग बेस है, काम बहुत स्लो होते हैं, वर्कलोड काफी बहुत वर्कलोड है वहाँ पे भी। तो वही धीरे धीरे करके सर 20 दिन लगे मेरे को यहाँ पे भी, एक एक करके सारे टीआर क्लियर करवाए हैं, 20 दिन एएमबी 20 दिन तेरा लगे 20 दिन हैं। चला है। ऊपर से सर G20 भी था ना, तो 3-4 छुट्टियां उसमें भी आ गई थी, तो टोटल 20 दिन लगे हैं। तो बेट धीरे धीरे करके वहाँ पे सारे टीआर क्लियर हुए हैं। उसके बाद सर ऐसा था, वहां पे कोई मिलता था किसी को बताओ कि 7 टीआर है, तो सब पहले शौक हो जाते थे, 7 टीआर है मेरे। बट फिर वो यार, जैसे पहले वहां पे ईयर वैक्स का क्लियर हुआ, फिर मेरा सर इतना ऑर्थोलॉजी में क्लियर हुआ, फिर सर्जिकल का क्लियर हुआ, फिर मेडिसिन में लीवर वाला क्लियर हुआ। तो सर जब मेडिसिन वाले डॉक्टर ने फाइनली फिट बोला था, मेरा लास्ट में हुआ था लीवर वाला, तो इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी हद से ज्यादा यार। मतलब 2 महीने के बाद सर चैन की सांस ली थी, वरना तो सुबह से रात तक कोई परेशानी में दिन जाता था, दवाइयों पे वो सब, तो बहुत सही लगा स्ट्रेस था उसके बाद। ग्रेट कॉन्फ्रेंस यार से ज्यादा खुशी ग्रेट। इसमें थी। हाँ एक्चुअली बिकॉज अब तेरे को पता है रिटर्न तेरा अच्छा गया ही है, तो तू लिटरली मन में ऐसा था ना, बन गया मैं फौजी, मेरे को बनना था तो मैं बन गया। ऑलमोस्ट हाँ ग्रेट यार ग्रेट अमेजिंग है। और कुछ ऐसा है जो तू ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता है बिकॉज यू हैव सीन अ लॉट? मेडिकल के लिए बेसिकली बोलूंगा कि मेडिकल में ना एक बार ट्राई करना कि जो बेसिक चीजें ना पहले से अपने करवा लो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वहां पर भी सभी ज्यादा फिट हो। और हमारे में से सर 36 में से 2 या 3 बच्चे फिट थे अलाहाबाद से, सीडीएस एंट्री के, बाकी सबको बिल्कुल कुछ ना कुछ मिला ही था वहां पर। किसी को ओवरवेट दे रहे हैं, किसी को बीपी दे रहे हैं, ये बहुत कॉमन है। तो एक बार अपना बेसिकली मेडिकल चेकअप जितना हो सके ना करवा लेना चाहिए पहले से ही। तो मेडिकल के लिए तो सर यही बोलूंगा। बाकी सर एक चीज है, मेडिकल में कभी उम्मीद मत छोड़ो, अगर मेरे 7 टीआर क्लियर हो सकते हैं तो किसी के भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आई टोटली एग्री। मेरे भी 4 टीयर क्लियर हुए इसलिए आई टोटली एग्री विद यू। बट एक मैंने मेडिकल का वीडियो बनाया डॉक्टर सीपी सक्सेना के साथ, ठीक है, वो है कानपुर के डॉक्टर लेकिन ही वर्क्स विद लॉट्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। तो वो 1 घंटे का एपिसोड है, उसमें उन्होंने सारा डिटेल में समझाया कि मेडिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है, तो आप वो जरूर देखिएगा टू माय ऑडियंस, ठीक है। एंड ऑल्सो तूने अर्पित कोई हमारा पहले वीडियो देखा है? हाँ सर बहुत सारे, मैं तो आपको सर 5,000 जब आपके सब्सक्राइबर से तब से फॉलो करता हूँ। तो माय गॉड मैं रनिंग करते हुए मैं ये करता था, मैं वीडियो ऑन करता था ईयरफोन्स लगा के, और 1.5x पे, 1.75x पे चलाता रहता था। कोई ना सर, कोई ना कोई किसी का हर पॉइंट, मतलब कोई ना कोई पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट देता ही है। अगर आप किसी के 40 मिनट की वीडियो सुन रहे हो, तो हो सकता है कि उसमें से 35 मिनट काम के ना हो, बट वो 5 मिनट के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता ही है। तो इसी सब से सीखा है मैंने भी ना, कि कोई कुछ अच्छी बात बता देता है, कोई कुछ अच्छी बात बता देता है, तो सबको क्लब करके एक कॉमन चीज पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत वीडियोस देखे हैं मैंने आपके। नहीं थैंक यू। बट बेस्ट तो मुझे वो लगता है जब असेसर्स के साथ तुम वीडियो बनाओ तो एक बेटर क्लैरिटी मिलती है बिकॉज दे आर ऑन द अदर साइड। बाकी बिल्कुल कैंडिडेट्स तो काफी आके बस शेक ही मार के चल जाते हैं, तो बट असेसर्स ज्यादा अच्छी बट ग्रेट। अर्पित थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एज अ गेस्ट ऑन आवर चैनल, प्रिविलेज टू हैव यू हेयर। बहुत अच्छा लग रहा है तुझसे बात करके, एंड स्पेशली बिकॉज मैं तेरी रिकमेंडेशन से पहले से तेरे को जानता हूँ, सो उससे मुझे और बिल्कुल बात से अच्छा लग रहा है कि समवेयर आई वॉज देयर विद यू, एंड बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो जाने से पहले एक क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ कि व्हाट इज योर लास्ट एडवाइस टू दैट गाय आउट देयर जो मेहनत कर रहा है लेकिन कहीं फंस रहा है, कहीं रिटर्न में फंस गया है, कहीं स्क्रीन आउट हो गया, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, मेडिकल में रह गया, व्हाट्स योर मैसेज टू दैट गाय? बस यही चीज है, लगे रहना है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, हमेशा लगे रहना है और बस अपने गोल्स की तरफ फोकस रहना है। और जैसा मैंने पहले भी बोला था कि डिफेंस के अलावा एक ऑप्शन लेके जरूर चलना है, जिससे आपको SSB में भी और जिंदगी में भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ तो रहेगा ही। तो बिल्कुल बेसिकली बस बिल्कुल यही है, खुद खुद पे काम करो, खुद की पर्सनैलिटी बनाओ बस, और एग्जाम्स को, मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करो। तो यही तरीका है सर एस करने का। ग्रेट, थैंक यू सो मच, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और इसकी कहानी मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाओ। एंड इफ यू लिसनिंग टू अस ऑन एनी ऑडियो प्लेटफॉर्म गिव अस अ 5-स्टार रेटिंग बिकॉज वी लव यू, एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।